हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीधा बात पे चलते हैं क्योंकि आज अपडेट है, तो बहुत बंदे को नहीं पता कि गेम कैसे डाउनलोड करे। तो इधर पे मैं दो ट्रिक बताऊंगा, एक आप प्ले स्टोर से कर सकते हो या टर्बो वीपीएन यूज़ करके, और एक मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप लोग कर सकते हो। मैं दोनों ही तरीके से बताऊँगा। पहले गूगल प्ले से करते हैं। गूगल प्ले में एक ऐसा जीमेल लॉगिन कर ला जो आपका लगता नहीं है, ठीक है? तो उसमें सर्च करना टर्बो वीपीएन, ये जो लिखा रखा है ना, ये टर्बो वीपीएन, वो सीधा सर्च कर लेना, फिर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, ऐप्स पे जाता हूँ, इधर ऐप्स पे गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, स्टोरेज पे जाना, क्लियर डेटा पे क्लिक कर देना, क्लियर ऑल डेटा, ठीक है? तो सब डेटा क्लियर हो जाएगा। और इधर पोर्ट स्टॉप है, उसे वो कर देना, उसके बाद आ जाना, फिर टर्बो वीपीएन ऑन करना। ऑन करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू आप लोगों को दिखा दिया, वो करने के बाद टैप टू कनेक्ट करना, ठीक है? तो ओके आ जाएगा और ये कनेक्टेड हो गया। सिंपली होम पे जाना, फिर से प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना फ्री फायर, फायर तो आ जाएगा, फिर इसे इंस्टॉल कर लेना। और जब भी इंस्टॉल चालू होएगा, रुको, जब भी 0% होएगा तब दिखाता हूँ। 0% हो जा, तो 0% हो गया। आपको सिंपली टर्बो वीपीएन पे जाना है, इसके बाद इसे क्लोज कर देना, डिस्कनेक्ट कर। ये डिस्कनेक्ट हो गया, देखो ऊपर पे नहीं दिखा रहा है, और हम लोगों का फ्री फायर डाउनलोड हो रहा है। तो वो भी 36 के बाद, जिन लोगों को भी मतलब कोई भी लिंक पे भरोसा नहीं है कि नहीं उधर से कर नहीं सकते, तो आप लोग इधर से सिंपली कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। चलो ये ऐसा कुछ आएगा क्योंकि मैंने एमुलेटर कल ही डाउनलोड किया। फिर से सबसे पहले कंट्रोल स्विच बता देते हैं, देखो लोड हो रहा है, देख सकते हो नया वॉलपेपर है। मैं मतलब कोई थर्ड पार्टी ऐप ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लेगा शायद क्योंकि पहला दिन है। तो चलो देखो आ चुका है, मैं तब तक लॉगिन कर लेता हूँ, रुको। तो देखो मैं सर्वर विल बी रेडी सून, ये तो सिंपली बात है, सर्वर बाद में रेडी होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ऐसे डाउनलोड हो गया। ले आते हैं यार, इधर पे आके लिंक पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं, एंटर। आप लोग देख सकते हो कि यही वाला मैंने जो डाउनलोड किया, वन मिनट इधर से दिखा देता हूँ, मैंने जो डाउनलोड किया ये देखो, इधर ये देख सकते हो पूरा सेम है। तो आप लोग इधर से भी ले सकते हो, इधर से कोई आईडी बैन होने का खतरा नहीं है क्योंकि ये मैं पिछले अपडेट पे भी कर चुका हूँ, मेरे दोस्त ने भी दिया है और उसको पता है, ठीक है? तो आपको सिंपली करना क्या है मैं दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपको सिंपली डाउनलोड पे करना है, ये देखो इधर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 57 MB का है, तो डाउनलोड हो रहा है, हो भी गया। सिंपली एपीके पे जाना, क्लिक करना, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। कन्फर्मेशन ये सब दे देना, फिर आप लोगों का ये वाला आएगा। बहुत पे क्या होता है, एपीके डाउनलोड करते हैं सब वक्त, ये वाला आता नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपका ये जो गूगल प्ले स्टोर है वो किसी ईमेल या जीमेल आईडी पे लॉगिन होना चाहिए, तभी ये वाला मतलब डाउनलोड होएगा। मेरा जब जीमेल पे लॉगिन नहीं रहता उसमें प्ले स्टोर पे, तब नहीं होता। तो आप लोग सिंपली ऐसे लॉगिन कर लेना, बड़ा ही सिंपल तरीका है, हो जाएगा। तो तब तक के लिए मैं मतलब वीडियो को जल्दी से आगे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब रुकना ना पड़े।
तो दे सकते हो यहाँ पे, मतलब हम लोग का शेड्यूल इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे हैं, मुझे अभी नहीं करना है, छोड़ो अभी। तो आप लोग ऐसे सिंपल वे से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा MSI ये वाला वर्सन भी डाउनलोड करना है तो मुझे बताना, मैं ये वाला लिंक दूसरे वीडियो पे दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।